आपके साथ एनी वर्मा। आइए रूबरू करवाते हैं देश की कुछ खास खबरों से। पूरे देश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया, लेकिन बागपत में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की झांकी से बड़ा बखेड़ा होने से रह गया। बागपत के नेलपुरा गांव में जन्माष्टमी की झांकी में कई डीजे लेकर जा रहे ग्रामीणों को पुलिस ने रोक लिया और डीजे बंद करने को कहा। इस पर ग्रामीण गुस्से में आ गए और हंगामा शुरू कर दिया। मौके पर और पुलिस बल बुला लिया गया, लेकिन ग्रामीण झांकियों के साथ चल रहे डीजे को बंद करने के लिए तैयार नहीं हुए और पुलिस से नोकझोंक हो गई। साथ संग और ग्रामीण पुलिस को धकेलते हुए आगे बढ़ गए। पुलिस ने ग्रामीणों को समझाया कि कोर्ट के आदेश का पालन करना होगा और तब जाकर कहीं ग्रामीण शांत हुए, लेकिन डीजे बंद नहीं किया और डीजे की धुन पर झूमते हुए आगे बढ़ गए और पुलिस डीजे बंद कराने में नाकाम रही और झांकियां धूमधाम से वापस मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। डीजे बंद करवाया गया पुलिस के द्वारा, क्या पूरा मामला है? ये दोहट थाने के अंतर्गत एक प्रकरण संज्ञान में आया। वहाँ पर जुलूस निकला था जिसमें कि डीजे बजाया जा रहा था। पहले से ही सबको संज्ञानित किया गया था, थानों के माध्यम से सूचित किया गया था कि माननीय हाई कोर्ट के आदेश से तेज़ आवाज़ में डीजे नहीं बजाया जाएगा, लेकिन उसका उल्लंघन हो रहा था वहाँ पर। तो थाना अध्यक्ष को जैसे ही ये बात संज्ञान में आई, उन्होंने जाकर के उसको रुकवाया। उस पर कुछ लोगों ने नाराज़गी उसमें प्रकट की, लेकिन उनको समझा बुझा करके मामले को शांत कर दिया।